जल्दी करें। घुटने का दर्द ठीक है? हाँ, दस को आराम बारे मैंने उधर दिया ना कम बार
Diba? Get ko na yun. मेरे बांस में कुछ छोटी हो गई। हाँ डॉक्टर साहब वो बंद कर दीजिए तो आता हूँ। राज तकलीफ तो नहीं आपको? तकलीफ ना आ जाए तो वो इंजीनियर से कर दिया था तन जब वही था तन जिसमें ना बैठ कर लगा वो हम तन वही जब तन तकलीफ है Oh.
डोज नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव बायोलॉजी क्लिनिक से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारी पेशेंट हैं आजमगढ़ से हैं और इनको जो समस्या थी, जिस तरह की प्रॉब्लम थी, यहीं से मुझसे सुनते हैं और अभी ट्रीटमेंट के दौरान उनको कैसा बेनिफिट मिल रहा है वो सारी चीज़ें यहीं से समझते हैं। नाम बताएं आप, क्या दिक्कत थी आपको? कमर में दिक्कत थी। किस तरह की दिक्कत हो गई थी? कितने समय से था ये? कितने समय से रहा? चार पाँच साल से रहा था, मैंने ज़्यादा अब तक की है। ज़्यादा अब तक की है। अच्छा, किसी को दिखाया इसके पहले डॉक्टर्स की दवा? हाँ, टेम्पररी डॉक्टर से दवा करने से रिपोर्ट बिना रिपोर्ट कर हाँ। आजमगढ़ नीरो का डॉक्टर रहना है, मुझे ही दिखाओगी? अच्छा, तो वो डॉक्टर मना एक्सरे करना है तो कहना नस का दिक्कत था, तब दवा छः महीना चलाऊंगा तो छः महीना चलाऊंगा तो दर्द ना बंद हो जाए तो कहने डॉक्टर साहब दर्द तो बंद ना होता तो कहने कि हम तो अपने तरीका से दवाई चला रहे हैं, ऐसा है कि एम आर आई करवाएगी तो एम आर आई में निकल नस दबल हुए दिक्कत, तब दवा देना अब थोड़ा एक्सरसाइज का बेल्ट देने रहना नीचे सूत के लगाने के लिए, तब दर्द बढ़ने लगा, 15 दिन का दवा देने रहना एक, तो बाद हमारा ससुर बंद करवा देना। तो यही जो दिखावे खातिर के द्वार में बताऊँ, अभी जो इनकी MRI थी दोस्तों उसमें L5S1 सैक्रोलाइजेशन था कंप्लीट, इसकी वजह से कमर का जो मूवमेंट था बिल्कुल ब्लॉक हुआ था, हिप का मूवमेंट बिल्कुल ब्लॉक था, उसकी वजह से चलने में इनको प्रॉब्लम हो रही थी, टिंगलिंग सेंसेशन कंटिन्यू था, घुटनों में प्रॉब्लम आ रही थी, नीचे एंकल में प्रॉब्लम आ रही थी। अभी मैंने इनका कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट दिया है। आज कौन सा दिन है आपका ट्रीटमेंट का? आज शुक्रवार है, अब शनिवार के देखा। मतलब कितना दिन हो गया अभी तक? चार पांच सेटिंग हो गया लगभग। हाँ, पांचवा सेटिंग है आपका? हाँ, पांचवा दिन है आपका ना ट्रीटमेंट का? हाँ, पांच सेटिंग हुआ है दोस्तों, पांच सेटिंग कंप्लीट किया है मैंने। अभी जो समस्या है आपकी वो कैसी है? अब तो डॉक्टर साहब ठीक है। आज ठीक है? अभी कोई किसी तरह की दिक्कत आपको पहले जैसी लग रही है? नहीं, पहले मती नहीं है। मतलब सिर्फ 5 दिन के सिटिंग्स में अभी इनको चलने फिरने में कहीं किसी भी तरह की समस्या नहीं हो रही है। साइकलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो होता है क्योंकि जो सैक्रम बोन होती है वो लंबा के साथ में फ्यूज़ होती है, फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में मूवमेंट ब्लॉक होता है। तो अभी कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से ये रिजल्ट इनको मिला है। अभी आप इस ट्रीटमेंट से खुश हैं? कैसा है अभी? अब तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बस ये है कि आपके हाथ में मेरा जस्ट चले। ठीक है, थैंक यू।